बोलते हैं जब मजबूरी में चोरी छोड़ कर कुछ भी करते हैं जब पेट भरेगा है। कोई के छिपा बर्तन करता है, कोई के कोठी में काम कर घर सफाई करता है पेट के लिए ना, वही लेके हम बिजनेस करता है, बाल बच्चा के पोसते हैं। आदमी के तो सरकारी नौकरी नहीं है जो करेंगे। बोलते हैं जो कोई सरकार आएंगे तो 2 रुपया थोड़े गरीब के देगा, 2 रुपया देगा गरीब के सरकार, लेकिन ऊपर से ऊपर बढ़िया के आदमी ले लेगा। ममता दीदी सरकार आवे या चाहे मोदी सरकार आवे, हमको अच्छा से मतलब है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है हावड़ा ब्रिज पर, आप देख सकते हैं ये पूछे पीछे एक, इसे भी एक अजूबे के रूप में देखा जाता है ये पूरा हावड़ा ब्रिज, और इसी पर हम मौजूद हैं। आज हमने प्लान बनाया कि हम कुछ जो यहाँ पर वेंडर्स हैं उनसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और ये कुछ लकड़ियाँ शायद नीम की लकड़ी हैं और भी हैं, शायद ये लोग दतून काट रहे हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज़ है और कहाँ से ये लाती हैं। दादी आपका नाम क्या है? जीलो देवी। अच्छा, ये क्या चीज़ है, दतून वगैरह है क्या? दतमन है कि नीम के, दांत साफ करने के लिए ना, दांत साफ करने। अच्छा, तो ये हम लोग तो बचपन में गाँव में जब थे तब लोग यूज क्या करते थे। अच्छा, यहाँ लोग अभी यूज करते हैं? कोलकाता जैसे बड़े शहर में दतून का यूज करते हैं लोग, मतलब ब्रश करने के लिए, ब्रश करने के लिए। अच्छा, तो ये कितने कितने का बेचते हो आप? कितने का? 1 रुपया का। कभी 1 रुपए का एक? जब से लॉकडाउन लगा बाजार एक आ रहे दादी आपको आ रहे। तो ये कहाँ से लाते हो आप, ये कहाँ से लाते हो? नीम जंगल में से खोज खोज के लाता है देश से। अच्छा, एक दिन में कितना बिक जाता है? कितना बिक्री करेगा, 150-200 ऐसे बिक्री होता है, बिक जाता है, खर्चा बर्चा निकल जाता है। कहाँ से खर्चा बर्चा निकलेगा, जो अखनी खोजेगा जब बच्चा सब मीट मछली खाएगा उतना पूर्ति होगा। अच्छा, मजबूरी में ना निकालेगा। तो आप रहने वाले कहाँ, यहाँ की कोलकाता के ही हो या फिर बाहर? नहीं, कलकत्ते में रहने वाला। अच्छा, कैसे चल रहा लॉकडाउन के लिए तो एकदम खराबे चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार अभी आप मिली थी हमें पीछे शायद, तो हम लोग यही पूछ रहे थे लोगों से इस बार किसकी सरकार बनेगी, ममता दीदी की या मोदी की? हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, जो बढ़िया करेगा, जो खाने के सुख मिलेगा, पहनने के सुख मिलेगा। अच्छा, कमाने खाने का, हम तो कमाने खाने वाला है, कोई तो हमको नहीं दे देगा। तो आप अगर कमाने दे देगा। अच्छा, तो ममता दीदी आएंगी, ममता दीदी जैसे हैं पिछले 10 सालों से, आपको लग रहा है उसका कोई फायदा हुआ? ममता दीदी सरकार आवे या चाहे मोदी सरकार आवे, हमको अच्छा से मतलब है। अच्छा, आपको लग रहा है काम अच्छा होना चाहिए? काम अच्छा होना चाहिए। ये क्या चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कटारी बोलता है, कटने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये इसका साइज एक बार में ये यूज होता है कि दो बार कितने बार यूज कर सकते हैं, मतलब दतून करने के बाद 2 बार कर सकते हैं कि एक ही बार? नहीं, एक ही बार, एक बार फेंक देना उसको आगे ना। हाँ, फेंक देगा। और भी एक आंटी और है, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है दादी? फूलमंती देवी नाम। अच्छा, अभी आपसे मिले थे वहाँ पे, तो आपका ये कैसा चल रहा है? ये भी आप इसमें नीम के अलावा भी ये कौन सी लकड़ी रहती है? नीम है खाली, ये सफेद, ये तो सफेद सफेद लकड़ी, हरा नीम, हरा है। हाँ, हरा सारा है। नीम है, सारा नीम की लकड़ी, वो सफेद सफेद जो दिख रही है वो कोरंजा है, कोरंजा के है। अच्छा, उससे भी दतून बनती है? हाँ, वो इससे दतून बनता है। क्या बोलते हैं, कोरंजिया? हाँ हाँ, कोरंजिया। ये आप जंगल से लेके आते हो? जंगल से लेके आते, नहीं दूसरा कोई काटता है, हम खरीद के बेचते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कब से कर रहे हो यहाँ पे, कब से हो आप? ये तो बुझिए जो हमको 40 साल से कारोबार। 40 साल से। अब तो लोग ब्रश वगैरह करने लगे, ये यूज करते हैं? यही यूज करते हैं। अच्छा रहता है? हाँ हाँ, दांत के लिए ठीक, दांत मजबूत रहते हैं। हाँ, दांत के लिए ठीक है। सही है, सही ठीक। तो एक दिन में कितना बिक जाता है? बाजार तो नहीं है, जब से मोदी सरकार लॉकडाउन कर दिया तब से तो बाजार खत्म हो गया। लेकिन एक सेकंड, आ रहा हूँ। क्या कह रही हो? बोलते हैं जब मजबूरी में चोरी छोड़ कर कुछ भी करते हैं जब पेट भरेगा है। कोई के छिपा बर्तन करता है, कोई के कोठी में काम कर घर सफाई करता है पेट के लिए ना, वही लेके हम बिजनेस करता है, बाल बच्चा के पोसते हैं। आदमी के तो सरकारी नौकरी नहीं है जो करेंगे। कितने बच्चे हैं? हमको हमको 2 लड़का है, 2 लड़की है, 4 बच्चे। आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, यही दतमन काट के लाता है बेचता है, यही दतमन काट के लाता है बेचता है। और बच्चे, बच्चे क्या करते हैं? बच्चा वही कपड़ा रेडीमेड बेचता है, दुकान वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग सारे लोग काम करके अपना खर्चा घर बार चलाते हो? आपके कितने बच्चे हैं दादी? हमको 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे,
अच्छा, तो बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो मोटियाई के काम करते हैं, जोगाड़ में काम करते हैं। अच्छा, दूसरा काम? हाँ, पति तो नहीं है। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा है तो उसको जोगाड़ में दे दिया, कौन देखेगा? स्कूल जाते हैं बच्चे? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। तो घर का खर्चा बस आप ही चलाते हो। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टोरी है यहाँ पर। कुछ जो महिलाएं हैं वो भी अपना खुद से काम करती हैं, इस तरीके की दतूल लेके। क्या कह रही हो दादी? बोलते हैं जो कोई सरकार आएंगे तो ₹2 थोड़े गरीब के देगा, ₹2 देगा गरीब के सरकार, लेकिन ऊपर से ऊपर बढ़िया के आदमी ले लेगा। जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ नहीं मिलता है आपको? कहाँ लाभ मिलता है, कोई नहीं लाभ देता। इतना लॉकडाउन हुआ, पैसा आया, अनाज आया, हमारा आर के दिया, कोई नहीं दिया खाना, कोई नहीं कोई ना। कहीं ना कहीं नाराजगी है, उन्हें लगता है कि सरकार आ जाती है फिर भी उन्हें कोई इसका समाधान नहीं मिलता है। चाहे सरकार की योजनाएं हों, कुछ भी बना रहे, लेकिन उन्हें अपना काम ये करना ही पड़ेगा। और इस थोड़ी सी नाराजगी भी है, वो पूरी तरीके से नहीं बता पाई कि किसकी सरकार रहेगी, भले ही ममता दीदी कहा जाए, लेकिन उन्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे थे द न्यूज़ गाइड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।